स्थान में, उसके बाद रिजल्ट क्योंकि 3-4 तारीख को आना था, तो 5-6 को हम लोग सर्वदलीय बैठक इसमें बुला करके इस पे चर्चा करें। लेकिन अब तक जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई प्रयास जो है नहीं किया, और हमारी ये मांग है, और मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग पत्र लिखेंगे कि भाई जो राष्ट्रीय जनता दल का लगातार संघर्ष चलता रहा, जिसके मांग पर दोनों सदनों में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, अब तो भारत सरकार मना कर रही है जाति जनगणना कराने से, लेकिन आप तो मुख्यमंत्री जी आप इसके पक्ष में थे, हम लोगों के समर्थन में थे, तो ये जाति जनगणना क्योंकि छोटा सत्र है, इसमें ही जो है बिहार सरकार को अनाउंस करना चाहिए कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर जो है जाति जनगणना कराएगी, और ये पूरी तरीके से बिहार के हित में होगा। जो योजनाएं बनेंगी, कहां किसको जरूरतमंदों पर खर्च किया जाएगा पैसा, उसी हिसाब से बजट का स्वरूप होगा, क्योंकि अब तक जो है अंधा होकर के कहां पैसा खर्च किया जाता, इसमें आसानी होगी, सहूलियत होगा जब आपके पास एक डेटा होगा। विधानसभा सत्र चल रहा है, यहाँ भी विधानसभा चलती रहती है, सत्र ही चलता है। बिहार विधानसभा सत्र में आप सब लोगों को याद होगा कि एक सदन में नहीं, दोनों सदन में, परिषद में और सभा में, दोनों जगह प्रस्ताव एक आया था जिसको हम लोगों ने पारित किया था सर्वदलीय सहमत होकर के, वो था जातीय जनगणना को लेकर। पिछले मॉनसून सत्र में भी हमने जो है जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाया, और हमने प्रस्ताव रखा कि मुख्यमंत्री जी चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलकर के आते हैं, और हम लोग मिलकर के भी आए, बात भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा कि बिहार की बात नहीं है, ये देश हित के मामले में है, और पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। कल पार्लियामेंट में फिर से उनके जो मंत्री नित्यानंद जी हैं, लेकिन तौर पे जो है मना कर दिए कि जातीय जनगणना नहीं होगी। अगर आप लोग याद करें तो पिछले सत्र में हमारे दो प्रस्ताव थे, एक तो मुख्यमंत्री चले प्रधानमंत्री जी से मिलने, अगर भारत सरकार तैयार होती है तो अच्छी बात है। चीजें निकल के आई हैं, चीफ सेक्रेटरी आप बताइए, अद्भुत ये है कि बिहार विधानसभा में बॉटल गिन रहा है, लेकिन बिहार विधानसभा के प्रांगण में कहां से आया इसकी जांच नहीं हो रही, पटना में कितना जिला क्रॉस करके आया इसकी जांच नहीं हो रही, बॉर्डर कैसे क्रॉस करके आया इसकी जांच में दिलचस्पी नहीं है। बात यही है, अगर ये लोग अपना ईमानदारी से काम करते हैं तो आज सब लोगों को शर्मिंदा ना होना पड़ता, आज बिहार की बदनामी हो रही है। किन लोगों की वजह से भाई, इन्हीं लोगों की वजह से बदनामी हो। अच्छा, आप जो चिट्ठी लिखने की बात कर रहे हैं, जब भी आप चिट्ठी लिखते हैं तो कल मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि चिट्ठी आप लिखते हैं हम तक पहुंचता नहीं है। अरे मुख्यमंत्री जी के कई लेयर्स हैं ना, हम तो रिसीव करवा करके ही हम पोस्ट करते हैं, और हमारा घर तो 2 मिनट पैदल चले जाइए तो मुख्यमंत्री जी का घर आ जाता है, रिसीव हो जाता हम पोस्ट कर देते हैं। अब पोस्ट जब भी करते हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मुख्यमंत्री जी का वेरीफाइड अकाउंट है ना भाई, तो उसमें भी हम टैग कर देते हैं उनको, ताकि उनको इधर से भी मिले उधर से भी मिले। तो ये जानकारी मुख्यमंत्री जी को लेना होगी भाई, आजकल के जमाने में मुख्यमंत्री जी को इन सब चीजों से अवगत होना पड़ेगा, सीखने की जरूरत है। हम लोग भी सीखते हैं।